नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज हम रिव्यू करेंगे एक 18x स्मार्ट फोन लेंस का। ये लेंस स्पेशली मेड है स्मार्टफोन के लिए ही। आप इसको एज ए मोनोकुलर, मतलब जो दूरबीन होता है ना आँख में लगा के, आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों अभी कर लेते हैं थोड़ा सा इसका फिजिकल ओवरव्यू। ये लेंस बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही प्रीमियम और स्टर्डी है। अगर इसकी कलर की बात करें तो दोस्तों ये ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन पे आता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 7 से 8 इंच के आसपास है। इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल क्लिप मिलता है जो थोड़ा सा यूनिक है। क्यों है? नॉर्मल से यूनिवर्सल क्लिप कुछ ऐसे फिक्स्ड वाले होते हैं, लेकिन ये क्लिप में आपको एक यूनिक सा डिज़ाइन तो मिलता ही है। उसके साथ आपको एक 17mm का थ्रेड वाला एडजस्टेबल जो रिंग है वो मिल जाता है। आप इसको इजीली किसी भी फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। कैमरा का पोजीशन कहीं पर भी हो, आप इसको घुमा के या मूव करके इजीली अपने कैमरा के साथ क्लिप को अलाइन कर पाओगे। और इसके साथ आपको एक छोटा सा ट्राइपॉड मिलता है और एक माउंट मिलता है। दोस्तों बहुत सारे न्यू यूज़र के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये लेंस किस काम में आता है, मतलब किस लिए। आपने टेलीस्कोप के बारे में तो सुना ही होगा, देखा भी होगा कहीं ना कहीं पे। टेलीस्कोप किस काम में आता है? टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स का शॉट लेने में काम में आता है। ये लेंस सेम ही है, एक टेलीस्कोप है छोटा सा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप दूर के ऑब्जेक्ट जैसे सन हो गया, मून हो गया, बर्ड्स हो गया, किसी दूर का टावर वगैरह हो गया, इनके शॉट्स आप इस लेंस से अपने मोबाइल से ही ले पाओगे। तो ये लेंस दूर के ऑब्जेक्ट्स का शॉट लेने में ही इस्तेमाल होता है, मैक्रो लेंस या क्लोजअप शॉट के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों इस लेंस को यूज़ करने के लिए आपको जो क्लिप दिया गया है उस क्लिप को पहले ही कैमरा में सेट कर लेना होगा। जो मेन कैमरा है उसको इस रिंग के साथ अच्छे से अलाइन करने के बाद लेंस का जो पीछे का थ्रेड है उसके साथ अच्छे से रोटेट करके फिक्स्ड करके लेंस को आप इजीली अटैच कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। तो दोस्तों लेंस को फ़ोन पे लगाने के बाद अपने प्राइमरी कैमरा पे कुछ ऐसा विग्नेट वाला जो ब्लर है या डिस्टॉर्शन है वो दिखता है। इसको रिमूव करने के लिए हमको 1.5 से 2x जितना जूम करना पड़ेगा, फिर ही आप इजीली फोटोज ले पाओगे इसके साथ। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं इस लेंस का जो मिनिमम फोकल डिस्टेंस है वो कितना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है, पेड़ है थोड़ा सा, यहाँ से जो लेंस का डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 15 फीट जितना होगा। आपको एक अच्छा खासा फोकल एरिया के साथ फ़ोटो लेना हो तो आपको इतना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा, वरना जो फ़ोटोज़ आएगा वो उतना एरिया के साथ नहीं आएगा। मतलब अगर आप एक इंसान का शॉट्स ले रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया तो सिर्फ उसका आँख ही आएगा, सर ही आएगा, मुँह ही आएगा, बाकी पार्ट्स नहीं आएगा। दोस्तों अभी अगर इसके जो मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस है उसकी बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो वाइड व्यू है, जो क्या बोलते हैं इन्फिनिटी फोकस, उसका आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो उस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों इस लेंस के सामने ही आपको एक एडजस्टेबल फोकस रिंग मिल जाता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप रोटेट करते हुए फोकस को आप शिफ्ट कर पाओगे। अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी हो तो आप इजीली इस रिंग को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पे और ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट सी पे फोकस को जो है शिफ्ट कर पाओगे। ये आपको एक DSLR वाला जो फील है इजीली दे देगा आपके फ़ोन में। तो इसको आप यूज़ करते हुए अपने जो फोकस है उसको आप मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे। दोस्तों अभी हम कुछ जो जूम है इस लेंस का वो थोड़ा सा जूम टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसा की आउटपुट आता है जो आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको एक इजीली आइडिया मिल जाए कि ये लेंस कैसे काम करता है। तो अभी हम बाहर हैं और इस ट्रैक्टर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो लेंस का आउटपुट है वो ठीक ठाक है, आप विजिबल है क्लियरली कि भाई कुछ तो खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है। ऊपर आपको बहुत सारा डिस्टॉर्शन और क्रोमेटिक एबरेशन है जो क्लियरली विजिबल है। ट्रैक्टर पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो क्वालिटी लॉस जो है वो दिखता है साफ साफ।
ये देखने के लिए मतलब दूर पे क्या है, एज ए मोनोकुलर ठीक ठाक है, लेकिन एडिटिंग या फोटोग्राफी के लिए नहीं है। अभी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, दूर पे एक फार्म है नॉर्मली, उस पर हम फोकस करेंगे। दो लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तो अब देख सकते हो दो लड़के जो है वो गप्पे मार रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल है, वो लड़के ही फोकस पे, बाकी सब आउट ऑफ फोकस है, मतलब ब्लरी है। लेकिन जो डिस्टॉर्शन है, जो नॉइज़ है, वो बहुत ज़्यादा है फोटो में, जो काम का उतना है नहीं। तो यहाँ पे हम थर्ड जो जूम टेस्ट है वो कर लेते हैं, उस पेड़ पे हम फोकस करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। अब देख सकते हो पेड़ पे कौवा भी बैठा है, इतने डिस्टेंस पे वो भी विजिबल है। विजिबल तो है लेकिन जो क्वालिटी है वो लैग कर रहा है। हम इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस लेंस से, जो है ठीक ठाक है लेकिन कुछ हाईफाई नहीं है। दोस्तों जब हमने इस लेंस का फोटोज़ वीडियोस इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डाले हैं, ये अपना इंस्टाग्राम का आइडिया फॉलो कर सकते हो, तो बहुत सारे लोगों ने डीएम किया, स्पेशली फीमेल लोग, कि इस पर हम रील या जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आप देख लो, इस लेंस का जो क्वालिटी है, आउटपुट है, वो अभी इस टाइम पे जो 8K 4K का ज़माना है, उस टाइम पे ऐसा क्वालिटी एक्सेप्टेबल सोशल मीडिया या कहीं पे भी नहीं है, आपको भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि मैंने गूगल पिक्सेल 7 पे भी इसको ट्राई किया है, जो आउटपुट आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, इसमें क्रोमेटिक एबरेशन बहुत सारा ज़्यादा है, तो जो आउटपुट है ना वो इस टाइम के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, 2017-18 के टाइम के हो सकते थे। दोस्तों अभी लास्ट पार्ट है वीडियो का, कि आपको ये लेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Amazon, Flipkart पे या बहुत सारे वेबसाइट पे आप ऐसे बहुत सारे लेंसेज मिल जाएंगे, जो मतलब लो बजट पे हो, 1000 से 2000-3000 में। ये लेंस का जो भी पैकेजिंग है उस पर आपको तो बहुत अच्छा खासा तो आउटपुट दिखा रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल सैंपल पे आउटपुट पे वो आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, वो आपको लेना नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसे लेंस काम का नहीं आता है, जस्ट फॉर फन इट्स ओके, जस्ट फॉर रील्स, जस्ट टू बी वायरल इट्स ओके, बट अपने काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए आप इसको इन्वेस्ट करोगे पैसा इसमें, ये नॉट एक्सेप्टेबल, उतने क्वालिटी का नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सिचुएशन पे, बहुत टाइम पे इसको ट्राई किया है, मेरे को किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया है। आप एपिक्सेल का बहुत सारे जो हाईफाई लेंस आ रहे हैं, जो जूम लेंस हाइपर वाले, आप वो ट्राई कर सकते हो, वो अच्छे होते हैं, लेकिन ये लो एंड वाले जो लेंसेस होते हैं वो उसमें क्वालिटी का जो इशू है वो दिखता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेबल नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको खरीदना है तो मैं बता दूँ, ये लेंस बहुत पुराना है, बहुत ही बैकडेटेड है, मतलब 2017-18-20 का मॉडल है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये लेंस आपको कहीं पे भी अभी नहीं मिलेगा। लेकिन अमेजोन पे बहुत सारे सेलर हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यही लेंस मैं दे दूंगा, वो 1500 से 2000 रुपये चार्ज करेंगे, तो आप उनसे इजीली चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक नहीं दूंगा, आप अपने रिस्क पे ही देखना, रिस्क पे ही खरीदना। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, अभी हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अलविदा।